आइए आज हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं दार्जिलिंग के पहाड़ियों में किस तरह से स्वतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यहाँ के इंसानों के बारे में और यहाँ के इंसानों के जितने भी समस्याएं हैं उस समस्याएं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं तिरंगे बंटवाए जा रहे थे, मिठाई बंटवाए जा रहे थे और भारत माता की पूजा आरती करवाए जा रहे थे। हमारे बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जब भी स्वतंत्र दिवस आता है इस महोत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाएं। चारों तरफ तिरंगे, गर्व से तना हुआ छाती, हम खुद को कहलाते हैं भारतीय। चलिए अब बातें करते हैं यहाँ के लोगों के और यहाँ के जितने भी समस्याएं हैं इन सब बातों पे हम गौर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो का टाइटल भारत स्वतंत्र हुआ पर यहाँ के लोग स्वतंत्र नहीं हुए। उसके पीछे एक राज है, वह राज है गोरखालैंड। यहाँ के लोगों को आइडेंटिटी देने के लिए गोरखालैंड एक ऐसी अहम कड़ी है जिससे इनका बहुत ही बड़ा अहमियत रखता है, परंतु ना भारत सरकार इनके सुनते हैं ना ही यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग इनके साथ चलते हैं। समय अनुसार वह भी बिक जाते हैं और हमारी मांगों को भी बेच डालते हैं। अब दार्जिलिंग के बारे में बात किया जाए तो यह एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंडर पड़ती है। अब बंगाल और दार्जिलिंग के बारे में बात किया जाए तो यहाँ का रहन सहन, कल्चर, खाना पीना बिल्कुल ही दोनों एक दूसरे से फर्क है। कंपेयरिंग टू गोवा और सिक्किम, अगर दार्जिलिंग को कंपेयर किया जाए तो यहाँ का जनगणना के हिसाब से यहाँ का पॉपुलेशन भी अधिक है और यहाँ के जमीन भी अधिक है, तो इस हिसाब से इनको अलग राज्य दिया जा सकता है। परंतु हमारे हर बार आवाज को दबाया जाता है और भारत सरकार द्वारा अनदेखा किया जाता है। चलिए अब बातें करते हैं यहाँ के आय स्रोत। अब आय स्रोत यहाँ के नंबर वन पे है टी। चाय के बागानों में यहाँ से ढेर सारा रेवेन्यू बटोरा जाता है। अब यहाँ का दूसरा इनकम सोर्स का बात किया जाए तो टूरिज्म यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक साल रेवेन्यू बटोरता है जो सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है। इन रिटर्न स्टेट गवर्नमेंट दार्जिलिंग को ना ही सही तरीके का एजुकेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी दे पाता है, ना ही सही तरीके का हॉस्पिटल यहाँ पे दे पाता है, जिसके कारण यहाँ पर बड़े बड़े इलाज नहीं हो पाते। यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों ना ही धूप कह पाते हैं, ना ही बारिश कह पाते हैं, बस इन्हें करना है तो काम। बदले में इन्हें मिलता है एक दिन के दिहाड़ी 232 रुपया, जो इन महंगाई के दिनों में बहुत ही कम रकम है। अब ये तो थे यहाँ के मुख्य समस्याएं। भारत के साथ ही दुनिया के नंबर वन ट्रुप में गिने जाने वाले गोरखा रेजिमेंट गोरखा राइफल यही दार्जिलिंग से रिक्रूटमेंट होता है, परंतु बदले में हमें खाली निराशा और उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाता। हर साल यहाँ पे विद्यार्थियों लोग अपना पढ़ाई खत्म करता है, जब उनका पढ़ाई खत्म होता है तो उसके बाद उन्हें नहीं मिलता नौकरी, जब नौकरी नहीं मिलता तो अपने जगह छोड़ के दूसरे स्टेट पे हमें जाना पड़ता है। जब यहाँ से अलग स्टेट हम लोग जाते हैं पढ़ाई करने, कोई लोग नौकरी करने, तो वहाँ हमें चिंकी, ए चाइनीस, ए मोमो, ए चाउमीन जैसे वाले शब्द से, साथ ही वैसे कुछ लोग से हमें जूझना भी पड़ता है जो दिल को बहुत ही दर्द देता है। साथ ही क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं जैसे मन में प्रश्न उठता है। अभी जिस समस्या की बात किए हमने वो समस्या खाली दार्जिलिंग के लोग के नहीं है, सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट लोग है वो सब भी यही समस्याएं झेल पाते हैं। अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्म का इंसान यहाँ पे एक साथ हम लोग शांति और हारमोनी के साथ में यहाँ जीते हैं और हर इंसान को एक दूसरे का सहारा खुद को बनाते हैं। हम हैं दार्जिलिंगे, हम हैं इंडियन। भले ही कितने भी अपने मन में गिले शिकवे हो, हम अपने देश को प्यार करना कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यह देश है हमारा, हमें इस पर गर्व है, हमें इस पर नाज है। साथ ही आप लोग जितने भी दूर से देख रहे उन्हें भी हमारे दार्जिलिंग पे स्वागत है। आप लोग किसी भी समय आ सकते हो, हमारे साथ में घूम सकते हो। यहाँ का इंसान बहुत ही हॉस्पिटेबल, साथ ही बहुत फ्रेंडली नेचर का इंसान यहाँ आपको मिलेगा। साथ ही एक से एक बढ़िया बढ़िया जगह यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट स्पॉट अवेलेबल है।
जो आपको हर वक्त स्वागत करने के लिए तैयार है। वेल, ये तो थे दार्जिलिंग के छोटी सी दुखद भरी कहानी, या तो कोई सुखद भरी कहानी। आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडवेंचर्स दार्जिलिंग।